आपने अपने जीवन काल में अनेक संस्मरणों की संरचना भी की है। आपके प्रमुख संस्मरण इस प्रकार से हैं, पाव भर जीरे में ब्रह्मबोझ, कभी कभार बहुरिया केला आदि आपके प्रमुख संस्मरण हैं। कविता का शीर्षक है पिता के जूते और इसके रचयिता हैं अशोक वाजपेयी जी। सर्वप्रथम हम इस कविता को देख लेते हैं और उसके पश्चात फिर हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। कविता में कवि ने लिखा है, एक पितृक वृक्ष है नीले अनंत के किसी ढहते हुए चबूतरे के पास, छाया हुआ जड़हीन, और उसके नीचे रखे हैं वे काले जूते, मरे हुए चमड़े के कुछ पसरे हुए जीवित पैरों के दबाव से जो अब नहीं हैं। पैर नहीं हैं और न ही वह आदमी जो उन्हें उस कोने में रखकर चुपचाप चला गया, किसी और चबूतरे पर बैठकर आगे की यात्रा तय करने के लिए। वृक्ष पर फुदकने वाली रंगीन चिड़ियां अलक्ष्य करती हैं उन खाली जूतों को, पर रंगहीन वृक्ष डालता है अपनी किसी शाखा की पतली छाया उन पर, धूप से उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें धीरे से जताने के लिए कि उसे याद है कि वे वहां हैं। जूते कोशिश करके भी याद नहीं कर पाते उन पैरों को जो उनमें थे। वे सपना देखते हैं नन्हे पैरों का जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। इस तरह की यह कविता है। अब हम देख लेते हैं इस कविता का विस्तार से अध्ययन। प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी जी ने 1978 में लिखी है। अशोक वाजपेयी जी अपने पिता को काका नाम से पुकारते थे। वे अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरते थे। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक उन्होंने पिताजी पर कविता लिखने का साहस नहीं किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने यह कविता लिखी है। इसका शीर्षक है पिता के जूते। इस कविता में कवि ने अपने पिता के जूतों के माध्यम से कहा है कि एक पैतृक वृक्ष है नीले अनंत के किसी ढहते हुए चबूतरे के पास, छाया हुआ जड़हीन, और उसके नीचे रखे हैं वे काले जूते, मरे हुए चमड़े के कुछ पसरे हुए जीवित पैरों के दबाव से जो अब नहीं हैं। अर्थात पिता की मृत्यु के पश्चात अशोक वाजपेयी जी उनके काले जूते के बारे में कहने लगते हैं कि पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके काले जर्जर चमड़े के जूते नीले आकाश के किसी पुराने ढहते हुए चबूतरे के पास एक जड़हीन छायादार पैतृक वृक्ष के नीचे रखे हुए हैं। ये जूते पिताजी के पैरों के दबाव के कारण फैले हुए हैं और इसका चमड़ा भी अब बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। यह चमड़ा मरा हुआ सा दिखाई देने लगा है। इन जूतों का उपयोग करने वाले न अब पिताजी जीवित हैं और न ही उनके पैर, अतः ये जूते वैसे ही पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं। इसके आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि पैर नहीं है और न ही वह आदमी जो उन्हें उस कोने में रखकर चुपचाप चला गया, किसी और चबूतरे पर बैठकर आगे की यात्रा करने के लिए। अर्थात वृक्ष के नीचे रखे हुए उन जूतों को इस्तेमाल करने वाले न अब पिताजी जीवित हैं और न ही उनके पैर। इन जूतों को उस कोने में रखकर पिताजी चुपचाप किसी दूसरे चबूतरे पर बैठकर आगे की यात्रा करने के लिए चले गए हैं। अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अब उनके वापस आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। कवि इसके आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि वृक्ष पर फुदकने वाली रंगीन चिड़ियां अलक्ष्य करती हैं उन खाली जूतों को, पर रंगहीन वृक्ष डालता है
अपनी किसी शाखा की पतली छाया उन पर धूप से उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें धीरे से जताने के लिए कि उसे याद है कि वे वहाँ हैं। अर्थात कवि ने कहा है कि उन जूतों की ओर अब किसी का ध्यान नहीं जाता, न वृक्ष पर फुदकने वाली रंगीन चिड़ियों का ध्यान जाता है और न ही परिवार के किसी सदस्य का उन जूतों पर ध्यान जाता है। केवल वह पैतृक वृक्ष ही है कि वह अपनी किसी शाखा की पतली छाया उन जूतों पर डाल देता है, वह भी उन जूतों को बचाने के लिए नहीं बल्कि वे जूते वहां पर है यह जताने के लिए। वह पैतृक वृक्ष अपनी पतली छाया उन जूतों पर डाल देता है। इसके आगे कवि लिखते हैं कि जूते कोशिश करके भी याद नहीं कर पाते उन पैरों को जो उनमें थे। वे सपना देखते हैं नन्हे पैरों का जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। यहाँ पर कवि ने कहा है कि वे जूते कोशिश करके भी उन पैरों को याद नहीं कर पाते हैं कि जो पैर उनमें हमेशा पड़ा करते थे। वे सपना देखने लगे हैं उन नन्हे अथवा छोटे से पैरों का जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। यहाँ पर कवि का मन पुनः बचपन को पाने की इच्छा जाहिर करता नजर आता है। इस तरह से प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने पिता के जूते के माध्यम से पिता की यादें तरोताज़ा करते हुए पुरानी पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की विस्मृत करने वाली मानसिकता पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कविता की भाषा सरल है, इसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं: पैतृक का अर्थ है पिता संबंधी अथवा पुश्तैनी, चबूतरे का अर्थ है बैठने के लिए चौरस और ऊंची जगह अथवा चौतरा, फुदकना का अर्थ है चिड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह उछलना, अलक्ष्य का अर्थ है नज़रअंदाज करना अथवा ध्यान न देना, कोशिश का अर्थ है प्रयास। इस तरह से इस कविता के अंतर्गत जितने कठिन शब्द आ चुके हैं उनके अर्थ भी हमने आपको दिए हैं। धन्यवाद।